नमस्कार, मैं हूं नेहा रेड्डी। मनसे न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, इस कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर विनीता रामनानी जी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थेल्मिक सर्जन एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के मरीजों की आंखों की सुरक्षा के बारे में। अगर आप भी इस संबंध में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। लगातार हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर विनीता से। डॉक्टर विनीता, सबसे पहला सवाल तो यही कि डायबिटीज़ जो है वो आंखों पर क्या असर डालता है? डायबिटीज़ एक आम शारीरिक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा इंडिया में तेज़ी से फैल रही है और हम इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ कहते हैं। तो जैसे जैसे डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके आंखों के दुष्प्रभाव भी बढ़ रहे हैं। ये दुष्प्रभाव अक्सर 5 साल पुरानी शुगर लेवल या अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल या शुगर में ऊंच नीच होती है या पेशेंट को साथ में ब्लड प्रेशर या कार्डियक प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में आंखों में दिखने को मिलती है। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें ये होता है कि आंखों में बार बार ड्राइनेस होती है, इन्फेक्शन होता है, उनका मोतियाबिंदु तेज़ी से बढ़ता है, उनको ग्लोकोमा हो सकता है, या फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ जो होती है वो कहलाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि डायबिटीज़ के कारण पर्दे पर कमज़ोर खून की नलकियाँ और धब्बे बनना। जी डॉक्टर, इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे अगर किसी को डायबिटिक है और आंखों में परेशानी होना शुरू होगी तो क्या लक्षण उनको दिखाई देंगे? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि कई बार डायबिटीज़ के मरीजों को पता ही नहीं चलता है कि उनके आंखों में डायबिटीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ की वजह से आंखें खराब हो सकती है। तो हर वो व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है, सबको पता है अगर वो डायबिटीज़ की गोली खा रहे हैं, तो उनको अपनी सालाना आंखों की जांच कराना ज़रूरी है। कई मरीजों को कोई भी शुरुआती लक्षण नहीं होते हैं, कोई उनको तकलीफ़ या सिम्टम्स नहीं होते हैं, उसके बावजूद उनकी रेटिना में या उनकी आंखों में खराबी आ सकती है। तो सबसे पहले कि वो अपनी रेगुलर आई टेस्ट कराएं और वो पुतली फैला के अपने रेटिना की जांच जरूर कराएं। अगर हम लक्षण की बात करें तो मरीज को बहुत धुंधला दिखता है, स्पेशली जब शुगर लेवल बहुत हाई होती है, 400-500 उनकी शुगर लेवल है, तो ये बढ़ी हुई शुगर के टाइम पे उनको दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, और जैसे ही शुगर लेवल नॉर्मल की तरफ आती है उनका दिखना थोड़ा बेटर होता है। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग शुगर्स होती है वो फ्लक्चुएटिंग चश्मे के नंबर्स होते हैं और नज़र भी उनकी फ्लक्चुएट करती रहती है। दूसरा जो प्रॉब्लम होती है आंखों में, रूखापन, आंखों में जलन, चुभन, खुजली और कम दिखना। और जब मरीज ये कंप्लेन करके आए कि मुझे कम दिख रहा है, तब तक शायद वो लेट हो चुके होते हैं और कई बार डायबिटीज़ की वजह से उनको काफ़ी लंबा नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि डायबिटीज़ से जो रोशनी चली जाती है वो लौट के वापस नहीं आती है। जी डॉक्टर, अभी आपने थोड़ी देर पहले रेटिनोपैथी के बारे में बात की, तो इसके बारे में आप अपने दर्शकों को विस्तार से बताएं। रेटिनोपैथी हमारे जो आंख के अंदर पर्दा है, जो एक कैमरा के रील की तरह काम करता है, उस पर्दे की जो वेसल्स होती हैं वो लीकी हो जाती है, उनकी दीवारें कमज़ोर हो जाती है और उनका खून धमनियों की बजाय पर्दे के ऊपर टपकना शुरू हो जाता है। शुरुआत में ये जो धब्बे होते हैं वो बहुत छोटे और कम क्वांटिटी में होते हैं, जिसको हम बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी या अर्ली रेटिनोपैथी कहते हैं। अगर इस वक्त पे मरीज की पहचान हो गई और शुगर कंट्रोल हो गया तो उनकी रोशनी को बचाया जा सकता है। इसके बाद वाली स्टेजेस जो होती है वो होती है प्री प्रोलिफरेटिव, जिसमें कि न केवल ब्लड बट आंखों के ऊपर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं, जिन्हें हम एक्सुडेट्स कहते हैं, और वो ब्लड पर्दे के अंदर चला जाता है और मैक्युलर सूजन कर देता है। इसमें मरीज की रोशनी काफ़ी हद तक नीचे चली जाती है और प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज में पेशेंट को कम दिखने की वजह से डॉक्टर तक पहुँचना ज़रूरी रहता है, जिसको हम इंजेक्शन और लेज़र से ठीक कर सकते हैं। और जो एंड स्टेज होती है वो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, वो कई बार बहुत
बहुत अनकंट्रोल्ड और हाई शुगर की वजह से और लंबे समय तक 20-25 साल पुरानी शुगर की वजह से होती है, और उसमें पर्दे के ऊपर बहुत सारा खून आ जाता है, पर्दे के बाहर विट्रस में भी आ जाता है, पेशेंट को अचानक से दिखना कम हो जाता है और कई बार पर्दा खिंच के सरक भी सकता है। जी डॉक्टर, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, मोहन जुड़े हैं गरियाबंद से। जी मोहन, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर से? हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं सुबह सो के उठता हूँ ना तो मेरे को धुंधला धुंधला सा दिखता है और आंखों में आंसू आते रहते हैं। आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है? नहीं मैडम, शुगर नहीं है। सुबह आंखों में धुंधला दिखना और आंसू आना, ये करीबन एलर्जी की निशानी होती है, जिसमें कि धूल मिट्टी धुएं की या किसी कॉस्मेटिक की एलर्जी होती है। और कम दिखने की वजह आपकी वो ड्राइनेस और एलर्जी भी हो सकती है, या हो सकता है कि आपको चश्मे का नंबर भी हो। तो आप अपनी आंखों की जांच कराएं पर्दे की, और ड्राइनेस और एलर्जी अगर आपको हो तो उसका ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी नज़र भी बढ़ सकती है। जी मैम, अभी जांच की बात हुई तो कौन कौन सी जांच हो सकती है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स का हम रूटीन चेकअप करें, और उस रूटीन चेकअप में इम्पॉर्टेंट है उनका विज़न और कलर विज़न। क्या उनको चीज़ें उतनी ही स्पष्टता से दिखती है? क्या वो जो आई टेस्टिंग का बोर्ड होता है वो नीचे तक बहुत क्लियरली पढ़ पा रहे हैं, यानी कि विज़न उनका नॉर्मल है कि नहीं है, उनका कलर विज़न नॉर्मल है कि नहीं है। और फिर पर्दे की जांच में ये देखना है कि खून के धब्बे पर्दे पे तो नहीं आए हैं। कई पेशेंट्स को मोतियाबिंदु और डायबिटिक रेटिनोपैथी दोनों होती है, तो ऐसे में उनको धुंधलापन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो दोनों के इलाज की ज़रूरत होती है। तो जांचों की अगर बात करें, अगर किसी पेशेंट को एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, यानी कि वो डायबिटिक रेटिनोपैथी से पीड़ित है, और उनके ये पता करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे वेसल्स लीक कर रही है, वो हम एंजियोग्राफी द्वारा पता कर सकते हैं। OCT के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि आपके मैक्यूला, यानी जो सबसे सेंसिटिव एरिया है आँखों का, उसमें सूजन तो नहीं है। और पेशेंट को एक कलर्ड फोटोग्राफ देख के हम ये पता दिखा सकते हैं कि आपकी आंखों की आज ये स्थिति है। अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी ये ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, धब्बे बढ़ जाएंगे। तो वो एक फोटोग्राफिक एविडेंस पेशेंट को रहता है, जो अवेयरनेस के काम आता है, और दूसरा आगे कंपैरिजन के भी काम आता है कि 2017 में अगर ये कंडीशन थी तो 2018 में वो कंडीशन बेटर हुई है कि वर्स हुई है। रेटिनोपैथी की स्टेज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही निर्धारित करती है हमारे लेज़र को करना है नहीं करना है और नजर को। जी डॉक्टर, अगर किसी मरीज को तकलीफ नहीं है, आंखों में कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो उसको जांच करने की क्या जरूरत है फिर? ये बिल्कुल आम भ्रांति है कि भले ही मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ, आपने मुझे बता दिया है कि आंखों में साइड इफेक्ट होते हैं, तो मुझे होंगे तो तब मैं आऊँगा, अभी मुझे क्या ज़रूरत है। लकीली 50% पेशेंट्स में साइड इफेक्ट्स होते भी नहीं हैं, पर जिनको होते हैं वो बड़े भयावह होते हैं। जब ये पेशेंट को पता चले कि मेरी नज़र कम हो गई और फिर डॉक्टर से जाँच कराए, तो उस समय लेट हो सकता है, क्योंकि जो रोशनी चली गई वो वापस शायद ना आए। तो इसलिए हमें प्रिवेंशन करना है, हमको अर्ली ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समय रहते डॉक्टर के पास पहुँचेंगे तो ही हम अपनी रोशनी को बचा पाएंगे। इसलिए सालाना आंखों की जांच कराना है। ये ना सोचें कि मैं तो गया था, पिछले साल भी नॉर्मल था, इस साल भी नॉर्मल निकला, तो और बुरा माने, जबकि वो हमारे लिए खुशी की बात है कि पिछले साल भी चेंजेस नहीं थे, इस बार भी चेंजेस नहीं आए हैं, इसका मतलब मेरा शुगर बढ़िया चल रहा है। पर अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आंखों के साइड इफ़ेक्ट्स आने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। इसके पहले कि रोशनी जाए, हमें उसको देखना है और उसकी जांच करवाना है। जी डॉक्टर, रेटिनोपैथी जो है, इसका इलाज क्या संभव है? जी बिल्कुल, अगर मरीज समय रहते आ जाता है तो बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में तो हमको उसकी सिर्फ शुगर लेवल्स और बॉडी में जो भी दूसरी बीमारियां हैं जो इस रेटिनोपैथी को तेज़ी से बढ़ाती है, उनको रोकना है। जैसे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, या उनका हीमोग्लोबिन कम है, तो ये सब अगर शारीरिक कंडीशंस को हम स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं तो बैकग्राउंड डायबिटिक वाले मरीजों को सिर्फ चश्मे के नंबर की ज़रूरत रहती और फर्दर इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वो बदकिस्मती से प्री प्रोलीफरेटिव और प्रोलीफरेटिव स्टेज में पहुँच गए रेटिनोपैथी के, तो इन उन केसेस में हमको एंजियोग्राफी करके हमको लेज़र का
ट्रीटमेंट उनको देना पड़ता है और लेज़र का डोज डिसाइड करती है कि आपकी रेटिनोपैथी कैसी है। सिंगल सिटिंग लेज़र भी होता है और कई बार 5-6 बार भी करना पड़ता है लेज़र कुछ हफ्तों और कुछ दिनों के अंतराल से, ताकि वो खून और पर्दे पर न बिखरे और पेशेंट की रोशनी और न चली जाए। लेकिन लेज़र से पेशेंट की रोशनी बढ़ती नहीं है, इसलिए कई पेशेंट सोचते हैं कि हम क्यों लेज़र कराएं, हमारी रोशनी नहीं बढ़ रही है। पर अगर लेज़र नहीं कराएंगे तो ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी, रोशनी और चली जाएगी, तो पेशेंट को अंधत्व का शिकार होना पड़ सकता है। जी डॉक्टर, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, जयराज जुड़े हैं इंदौर से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम ये मैंने हार्डिया साहब के ऑपरेशन कराया था दो दिन तीन बार जी, किस चीज का? अब वो तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। उसके बाद मुझे अभी फिर क्या तकलीफ होने लगी, दिन में भी तकलीफ आने लगी देखने में, तो मैं अभी नीमच गया था, वहाँ वो गोमती बाई हॉस्पिटल है ना, वहाँ भी दिखाया मैंने, तो वो एक मैडम है राजश्री मैडम, वो कह रही है राजश्री मैडम की काला पानी कहते हैं ना उसको, बोले वो हो गया है आपको, तो बोले अब कुछ नहीं हो सकता है। देखिए आपने जो पहले ऑपरेशंस कराए होंगे वो आपको उसकी जानकारी नहीं है, हो सकता है कि आपको मोटे चश्मे का नंबर हो जो आपने चश्मे उतरवाने के ऑपरेशंस किए थे। और जो काला पानी एक बीमारी है जिसमें आंखों का दबाव बढ़ता है और देखने वाली नसें कमज़ोर होती है, और मरीज को पहले साइड साइड से दिखना कम होता है और फिर बीच में दिखना कम हो जाता है। तो क्या उन्होंने आपके प्रेशर की या पेरीमीट्री की जांच की है, क्या ग्लॉकोमा का कौन सा स्टेज है? क्योंकि हम ग्लॉकोमा को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, दवाइयों के द्वारा हम आपके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको अपनी ग्लॉकोमा की रेगुलर जांच और रेगुलर इलाज की ज़रूरत है। जी डॉक्टर, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें अपनी आंखों का क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का सबसे ज़्यादा उनको हमेशा ध्यान होना चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको इन्फेक्शन की रिस्क रहती है, तो वो अगर कोई कैटरेक्ट सर्जरी करा रहे हैं या सीजनल कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उनमें आँखों में इन्फेक्शन होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। और अगर बार 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 आँखों में इन्फेक्शन हो रहा है तो हम कई बार रिवर्स में जाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ चेक कराएं, तो वो डायबिटिक निकलते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि डायबिटिक पेशेंट है ये उनको मालूम नहीं रहता है क्योंकि वो शुगर टेस्ट नहीं कराते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी शुगर लेवल ठीक रखें, और शुगर लेवल न सिर्फ दवाइयों से या इंसुलिन से ठीक होती है बल्कि आपके खान पान, आपके सोच विचार और स्ट्रेस लेवल और एक्सरसाइज पे भी निर्भर करती है। तो आपके डायबिटीज़ वाले डॉक्टर से आपको रेगुलर मिलना पड़ेगा, और जो 3 महीने की एवरेज शुगर होती है जो HbA1c कहलाती है उसको अच्छे से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जिस दिन पेशेंट को अपनी शुगर लेवल टेस्ट करानी रहती है उसके 2-3 दिन पहले तो बहुत बढ़िया दवाई भी लेंगे, बढ़िया डाइट कंट्रोल भी करेंगे, लेकिन जैसे ही शुगर लेवल नॉर्मल आ गई तो फिर वो खाना पीना बढ़िया और दवाइयों को मिस करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी इस वजह से कई बार डैमेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं किडनी पे, आंखों पे और पैरों की नसों पे, ये डायबिटीज़ असर करती है। जी हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, मनीष जुड़े हैं बिहार से। जी मनीष क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर से? डॉक्टर से नहीं, राशि फल के बारे में जानना चाहते। जी किस चीज़? चलिए मैम हम बात कर रहे हैं कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स को उनका आंखों पर उनका क्या असर पड़ता है। अगर बात की जाए डायबिटिक रेटिनोपैथी की तो इसका इलाज संभव है, अगर संभव है तो वो इलाज क्या होता है? जैसा मैंने अभी बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेज के अनुसार हम इलाज करते हैं। बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमें सिर्फ शुगर लेवल और बॉडी लेवल कंट्रोल्स करने हैं। प्री प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव स्टेजेस में हमको लेज़र के डोज देने हैं। वो लेज़र के डोज एक भी हो सकते हैं और कई भी हो सकते हैं, आपकी स्टेज के ऊपर निर्भर करता है। और कई बार डायबिटिक वाले पेशेंट्स को कैटरेक्ट भी होता है, तो उनका रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट करके हम उनको कैटरेक्ट सर्जरी एडवाइस करते हैं। कुछ पेशेंट्स को जिनको मैक्यूलर इडीमा होता है तो उनकी सूजन कम करने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और अगर उनकी शुगर लेवल प्रॉपरली कंट्रोल्ड नहीं होती है तो ये इंजेक्शंस कई बार एक से ज़्यादा बार भी देने पड़ते हैं, 2-2, 4-4 बार हर महीने हमको इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये शरीर की बीमारी है जो हमें आँखों में दिख रही है, इसलिए हमें शरीर को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना ज़रूरी है। एक चीज़ होती है कि ईयर्स ऑफ डायबिटीज़, अगर हमारी डायबिटीज़ बहुत पुरानी है तो 20 साल 25 साल पुरानी शुगर हमको
कई बार स्ट्रिक्ट कंट्रोल के बाद भी परेशान कर सकती है, और इस केस में रेगुलर आई टेस्ट और रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में रहना जरूरी है। जी डॉक्टर, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट है और उनकी आंखों में लगातार आंसू बने हुए हैं, आंसू आ रहे हैं, लाल आंखें हो रही, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, और अगर उनको इन्फेक्शन नहीं है तो वो ड्राइनेस की वजह से हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स थायराइड, और अगर वो फीमेल हैं 50 साल की ज़्यादा उम्र की, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या फिर उनको घुटनों की प्रॉब्लम या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आँखों में सूखापन या ड्राइनेस आता है, स्पेशली इस शुष्क मौसम में जब गर्मियाँ हैं, हम डायरेक्टली एसी और पंखे के नीचे बैठते हैं, तो हमारी आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, और ऐसे केसेस को लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से ठीक किया जाता है। जी डॉक्टर, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, दिलीप जुड़े हैं यूपी से। जी दिलीप, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर से? दिलीप, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है दिलीप से। डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट का आंखों पर क्या असर पड़ता है, अगर ऐसे लोग जिनकी आंखों में कुछ ना कुछ लाल आंखें बन रही है या आंसू निकल रहे हैं, और कोई भी ड्रॉप वो लोग यूज़ कर लेते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि वो डायबिटिक पेशेंट है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा रिस्की जो पेशेंट्स के लिए ड्रॉप्स होते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड्स के ड्रॉप। अगर हम स्टेरॉइड अपने मन से लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो न केवल हमारी आंखों में ड्राइनेस बढ़ती है, बल्कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ग्लोकोमा यानी कांच बिंदु होने की शिकायत भी ज़्यादा रहती है, और अगर उन्होंने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बिना पूछे कई लंबे समय तक इस्तेमाल किया है, तो उनको कांच बिंदु होने की भी रिस्क है। स्टेरॉइड वाले पेशेंट्स को कैटरेक्ट भी जल्दी जल्दी बन जाता है, तो एक तरीके से ये होता है कि डायबिटीज़ में कैटरेक्ट, ड्राइनेस और कांचिया बिंदु वैसे ही हो सकते हैं, अगर उन्होंने बिना पूछे स्टेरॉइड ड्रॉप्स का लंबे समय तक इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, और कई बार वो उनकी रेटिनोपैथी होती है और वो सिर्फ ऊपरी ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, तो रेटिनोपैथी किसी ड्रॉप से ठीक नहीं होती है, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखा के एंजियोग्राफी, ओसीटी और लेज़र कराना है। अगर समय रहते एंजियोग्राफी, ओसीटी, लेज़र्स नहीं हुए तो वो ब्लीडिंग पूरे आँख में फैल जाती है, और फिर एक विट्रेक्टमी करके सर्जरी होती है जिससे पर्दे से खून हटाया जाता है, और न केवल खून, कई बार पर्दा पूरा ही सरक जाता है, तो फिर रेटिनल डिटेचमेंट सर्जरी भी करानी पड़ती है, और वो काफ़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, और उसकी वजह से पेशेंट की रोशनी काफ़ी हद तक नीचे जा सकती है, इसलिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल कि अगर डायबिटिक पेशेंट है, उनका डायबिटीज़ अगर फ्लक्चुएट होता है, तो उसका सीधा असर क्या आँखों पर पड़ सकता है? जैसे कि मैंने बोला कि बढ़ी हुई शुगर की वजह से हमको उस समय टेम्प्रेरी धुंधला दिख रहा है, हमें शुगर कंट्रोल करके अपनी आँखों की जांच कराना चाहिए, और चश्मा तभी बनवाना चाहिए जब आपकी शुगर लेवल्स ठीक हों। मोतियाबिंदु का भी ऑपरेशन तभी संभव है जब आपकी शुगर लेवल्स नॉर्मल हों। फ्लक्चुएटिंग शुगर में चश्मा बनवाना और मोतियाबिंदु का ऑपरेशन कराना सेफ नहीं रहता है। जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत। नमस्कार।